कभी सोचा है कि आखिर ब्राउन कलर के बॉक्स और पेपर में ही क्यों होती है डिलीवरी? आखिर भूरे या हरे रंग की ही क्यों होती है बियर की बोतलें? आखिर चोर चाह कर भी क्यों नहीं चुरा पाते हैं ट्रेन में लगे पंखे? क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में भी होते हैं हॉर्न? कब और किस स्थिति में बजाते हैं पायलट? आखिर जूते चप्पलों से क्यों पीटा जाता है किन्नर का शव? रात में क्यों निकाली जाती है शव यात्रा? इन सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, जो घर बैठे अपनी जरूरत की चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, जो कोरियर के जरिए आपके घर पर आ जाती है। आपके घर कोरियर हुए पार्सल को आपने अगर ध्यान से देखा हो तो वह एक ब्राउन कलर के बॉक्स में आता है। दरअसल कोरियर के बॉक्स जिसमें हमारे पार्सल आते हैं वो कार्डबोर्ड से बने होते हैं। वही कार्डबोर्ड पूरा का पूरा पेपर से बना होता है। अब आप यह बात जानते ही होंगे कि जो नेचुरल पेपर होते हैं उन्हें ब्लीच नहीं किया जाता है, इसी कारण से वो ब्राउन कलर के होते हैं। आपने बियर की बोतल देखी है तो आपने इस चीज पर गौर जरूर किया होगा कि बियर की बोतल या तो हरे रंग की होती है या फिर भूरे रंग की। कहा जाता है कि हजारों साल पहले सबसे पहले बियर बनाने वाली कंपनी प्राचीन मिस्र में थी। यहाँ शुरुआत में बियर को पारदर्शी बोतलों में सर्व किया जाता था। इसी दौरान कई बियर निर्माताओं ने पाया कि बियर में पड़ा एसिड सूर्य की रोशनी और उसके अल्ट्रा वायलेट रेंज से रिएक्ट कर रहा है। इस रिएक्शन के कारण बियर में बदबू आने लगी और लोग इससे दूर रहने लगे। इस्तेमाल में आई भूरे रंग की बोतलें। वहीं इस समस्या का हल निकालने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढे गए। इसी क्रम में बियर निर्माताओं ने बियर के लिए ऐसी बोतलें चुनी जिन पर भूरे रंग की कोटिंग परत चढ़ी हो। इसी क्रम में भूरे रंग की बोतलें इस्तेमाल में लाई गई। गौरतलब है कि यह तरकीब काम भी कर गई। इस रंग की बोतलों में बंद बियर खराब भी नहीं हुई, यानी सूरज की किरणों का असर भूरे रंग की बोतलों पर नहीं हुआ। विश्व युद्ध के कारण इस्तेमाल हुए हरे रंग की बोतलें। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निर्माताओं के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। इस दौरान भूरे रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया था, इस रंग की बोतलें नहीं मिल रही थी। ऐसे में बियर निर्माताओं को एक और ऐसा रंग चुनना था जिस पर सूरज की किरण का बुरा असर ना पड़े। तब हरे रंग को चुना गया। इसके बाद से बियर हरे रंग की बोतलों में भरकर बेची जाने लगी। भारतीय रेलवे ने पंखों की चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके बाद इंजीनियर्स ने ट्रेन में इस्तेमाल होने वाले पंखों को कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि उन्हें आम घरों में इस्तेमाल ना किया जा सके। बता दें कि इन पंखों का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनों में ही किया जा सकता है और आप पैसेंजर बोगी में इनके जरिए हवा खा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई इन्हें चोरी करके बाहर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। दरअसल घरों में दो तरह की बिजली का इस्तेमाल होता है, पहला एसी यानी अल्टरनेटिव करंट और दूसरा डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अगर घर में अल्टरनेटिव करंट वाली बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस समय अधिकतम पावर 220 वोल्ट होगा। वहीं अगर घरों में डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो पावर मात्र 5, 12 या 24 वोल्ट ही होगा। वहीं ट्रेन में लगने वाले पंखों को 110 वोल्ट का बनाया जाता है जो सिर्फ डीसी से चलता है। घरों में इस्तेमाल होने वाली डीसी बिजली 5, 12 या 24 वोल्ट से ज्यादा नहीं होती, इसलिए आप चाह कर भी इन पंखों को अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही बता दें अगर कोई अब इन पंखों को ट्रेन से चुराता है तो उसे 7 साल तक की कैद हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि ऐसे मामलों में जल्द जमानत भी नहीं होती। सबसे पहले बता दें कि फ्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल आसमान में किसी दूसरे हवाई जहाज को रास्ते से हटाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि एक ही रूट पर दो फ्लाइट के आमने सामने आने की संभावना नहीं होता। इसके अलावा प्लेन में लगे हॉर्न का इस्तेमाल पंक्षियों को हटाने के लिए भी नहीं किया जाता है। दरअसल फ्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ के साथ संपर्क करने के लिए किया जाता है। अगर फ्लाइट उड़ान भरने से पहले उसमें कोई खराबी आती है या फिर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है तो उस समय प्लेन के अंदर बैठे हुए पायलट या इंजीनियर इस हॉर्न को बजाकर ग्राउंड इंजीनियर को अलर्ट मैसेज भेजते हैं। हमारे समाज में किन्नरों की दुआओं और आशीर्वाद को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी दुआओं में बहुत शक्ति होती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि किन्नरों से कभी बैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा दी गई बद्दुआ भी जरूर असर करती है। यही कारण है कि पुलिस वाले भी किन्नरों के खिलाफ जल्दी कोई एक्शन नहीं लेते।
बता दें कि किन्नरों के रीति रिवाज के अनुसार उनके शव को जलाने के बजाय दफनाया जाता है। शव को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शव किसी चीज से बंधा ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दिवंगत किन्नर की आत्मा आजाद हो सके। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अगर मृत किन्नर के शरीर को किसी आम आदमी ने देख लिया तो वो दिवंगत किन्नर अगले जन्म में भी किन्नर ही बनेगा। यही कारण है कि इनके अंतिम संस्कार के सभी रीति रिवाज देर रात में पूरे किए जाते हैं। इसके अलावा किन्नर समुदाय के लोग शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं ताकि दिवंगत किन्नर को दोबारा इस योनि में जन्म ना मिले। सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद दान पुण्य की विधि शुरू की जाती है।